प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जिंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज एक विषय जो लेके आया हूं, सुबह जब मैं पूजा कर रहा था तो ध्यान आया कि क्यों ना इसके जो मेरे हाथ में है शंख, इसके विषय में अपने प्यारे दोस्तों को बताया जाए, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य लाभकारी चीज है। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा है, कि जो शंख है नए साल में नया सदस्य, इसको अपने घर में शामिल कर लीजिए। अगर ये शंख नाम की चीज अगर आपके घर में है तो इसका मतलब आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपको सुख समृद्धि यश कीर्ति प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शंख के फायदे क्या होते हैं। तो शंख के फायदे देख लीजिए, इसको जो ये शंख है इसको विजय कीर्ति यश सुख समृद्धि और लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो 14 रत्न निकले थे उस समुद्र मंथन में से, तो एक रत्न ये अपना शंख भी था। और इसी प्रकार कहा जाता है कि ये देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है इस शंख को। तो इसका मतलब अपने सनातन धर्म में और पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें भी बहुत महत्व है। और आपने जहां आप अगर लक्ष्मी देवी की मूर्ति है, फोटो है, और भगवान विष्णु का जहां पे भी आप फोटो देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, तो उनके एक हाथ में ये शंख जरूर विराजमान होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय होता है। अब इससे फायदे क्या होते हैं? वास्तु दोष नाश होता है। कहा जाता है कि भाई जो वास्तु दोष वगैरह को मानते हैं तो इस प्रकार की जो समस्याएं अगर होती हैं तो नाश हो जाता है। अगर घर में हमारा जो पूजा का मंदिर है अगर वहां पे हम इसको स्थापित करते हैं, उसके बाद सूक्ष्म कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके ध्वनि से 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया और पाया गया कि अगर हम वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो इसका जो ध्वनि होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको बजाने के बाद, तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है कि जो आसपास के कई किलोमीटर तक जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, नेगेटिविटी जो होती है उसको दूर कर देता है और सब जगह पॉजिटिव एनर्जी विराजमान हो जाती है। स्वास्थ्य के लाभ, स्वास्थ्य के बहुत ही ज्यादा लाभ है यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे बजाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो तनाव दूर करता है। आज के युग में आदमी तनावग्रस्त है, सभी लोग टेंशन में है, सभी लोग व्यस्त हैं। तो यदि हम इसको बजाते हैं तो हमारे जो तनाव है, हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं। बीपी की समस्या समाप्त हो जाती है। ये समस्याएं कैसे समाप्त हो जाती हैं? जैसे कि मान लीजिए जब हम शंख को बजाएंगे तो जो भी ध्वनि निकलती है तो पूरा हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु का संचारण होता है, हमारे ब्लड के हर एक वेसल्स में ऑक्सीजन जाता है। जब फ्रेश एयर जाएगा तो जो भी हमारे हानिकारक तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे। और जब फ्रेश एयर जाएगा तो हमारी जो कैपेसिटी है, एयर की जो कैपेसिटी, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो मजबूत बनेंगे। और वो मजबूत बनेंगे तो हमें कोई भी छोटी मोटी जो बीमारियां होती है, चाहे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जो बीपी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक से जो लोग जूझते हैं, उनको इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। उसके बाद फेफड़े मजबूत होते हैं, चेहरे की झुर्रियां समाप्त होती है। यदि आप रोजाना शंख बजाते हैं तो आपकी चेहरे की झुर्रियां समाप्त होगी। आप ये नाना प्रकार के क्रीम लगाने हैं तो क्रीम रगड़ने से थोड़ी ना आपके चेहरे की झुर्रियां समाप्त होती है। चेहरे की झुर्रियां कैसे समाप्त होती है? अभ्यास करना, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके चेहरे की एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया हो जाती है, जो मसल्स में टोनिंग आ जाती है। और जब टोनिंग होगी तो खिंचाव रहेगा आपके चेहरे पे, और जब चेहरे पे खिंचाव रहेगा तो झुर्रियां तो होंगी ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इस शंख को बजाने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। तो अपने घर में शंख को स्थापित कीजिए, इसको रोजाना बजाइए सुबह और शाम। महाभारत के युद्ध में भगवान जो श्री कृष्ण थे वो भी शंख बजाते थे, और युद्ध की जब दिन की जो शुरुआत होती थी तो शंख बजाने से, और दिन का समाप्ति वो भी शंख बजाने से होती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने जो दिन की शुरुआत होती है इस शंख को बजाकर कीजिए, कि
कि हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं और मैं इस शंख नाद से अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूं, और जब दिन का एंड हो, अंत हो, तब भी आप शंख नाद कर ही समाप्त कीजिए कि हे प्रभु आपकी छत्र छाया में आपकी दया दृष्टि से और आपके आशीर्वाद से ये पूरा दिन मैंने बहुत बढ़िया से गुजारा और हम आपको याद करते हैं, इसकी खुशी में मैं ये शंख नाद बजाता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये शंख आपके घर में रहता है तो फायदे ही फायदे हैं, और कहा जाता है कि यदि इसका जो पानी है, इसमें हम पानी रख के पीते हैं, तो इससे कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य प्रकार के जो इसमें पोषक तत्व हैं वो पानी में मिल जाते हैं, और हमें जो भी हमारे मान लीजिए दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आंखों की समस्या है या नजला होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, छोटी मोटी बीमारियां तो आपको आएंगी नहीं, जो कि मतलब हमारे वातावरण के कारण, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट के कारण हमें पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं बीमारियां। थोड़ा सा गर्मी नहीं हुआ तो तबीयत खराब, थोड़ी सर्दी नहीं तो तबीयत खराब, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप उससे बचे रहेंगे। और दूसरा, जब आप शंखनाद करते हैं तो इसका मतलब यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और जो बंदा ही एनवायरनमेंट पॉजिटिव क्रिएट करता है तो वो नेगेटिव कैसे रह सकता है, तो आप तनावग्रस्त कभी भी नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें तो होगी इसके बेनिफिट्स के, फायदे के, लेकिन बजाना तो नहीं आता। शंख बहुतों के घर में होता है, लोगों को बजाना नहीं आता, तो बजाने में कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान होता है बजाना। आपको हम बताते हैं कि कैसे बजाया जाता है शंख। तो प्यारे दोस्तों, शंख बजाने के लिए जब हम शंख बजाते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फूंकते हैं, इस तरफ फूंकते हैं। देखिए कैसे फूंकते हैं, वो सोचते हैं कि जितनी ज्यादा हम वायु फूकेंगे तो ये बजने लग जाएगा। ये ऐसे नहीं बजता है। इसको बजाने का तरीका होता है, सबसे पहले जो बोथ लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स हैं, उसको आप होल्ड कीजिए ऐसे करके। जब आप होल्ड करेंगे तो जो उसमें से, फिर उसमें से वायु निकालनी है आपको। वायु कैसे निकलेगी, देखिए यहां से जब आप निकल, जैसे आप चाहे ध्वनि करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहां से निकालिए और यहां से लगातार सांस भरिए और फिर जितना भी आप में दम है उतना फूंकिए। कहने का मतलब यह है जहां तक आप कंफर्टेबल हैं, ये नहीं है कि भाई फूंकते फूंकते सांस ही निकल जाए आपके। तो कहने का मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये है, ये छिद्र है, ऐसे पकड़ लेना, जैसे भी पकड़ना चाहे आप पकड़ सकते हैं, बट दिस इज द राइट मेथड कि आपको ऐसे पकड़ना है। और फिर यहां से, कई बार यहां से भी लोग बजाते हैं और कई बार सेंटर से भी बजाते हैं, देख लीजिए दोनों तरीके से मैं आपको बजा के दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां से, पहले तो हम ऐसे इसको अपने दोनों लिप्स को दबाएंगे, देखिए कैसे। अच्छा लगा जब हम बजाते हैं तो पूरा जो हमारा लंग्स होता है पूरा खिंचाव महसूस करता है, पूरा हमारी जो वायु होती है ऊपर तक हम चढ़ाते हैं और धीरे 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 वायु रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो और जो वातावरण है तो वो भी बहुत मतलब अच्छा सा हो जाता है। अभी तो मैं अंदर बजा रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि ऐसे बजाते हैं, अदरवाइज जब हम बाहर बजाते हैं, जब मैं बाहर बजाता हूं तो जब भी ये बजाता हूं तो क्या होता है, एक मतलब अपने आप ही हवा चले जाती है, मतलब मुझे महसूस होता है। आप भी बजाएंगे तो यू विल फील ऑल्सो कि जब आप बजाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाएगी। पता नहीं कैसे होता है, ईश्वर जाने, लेकिन ये होता है जब आप बजाएंगे बाहर खड़े होके, मतलब खुले में बजाना चाहिए वैसे शंख, जब बाहर खड़े होके बजाएंगे तो यू विल फील इट, ठीक है ना। तो मतलब आप एनवायरमेंट से कनेक्ट होते हैं कि भाई जब आप बजाते हैं तो देखिए एनवायरमेंट में जो हवा होती है वो भी महसूस होती है और एक ठंडी सी हवा आपको महसूस होगी जब आप बजाएंगे। अब हम सेंटर से बजाते हैं, देखिए कैसे बजाना है। फिर से आप इसको ऐसे ही कर लीजिए और देखिए, ऐसे बजाना है। तो अब आप देखे होंगे कि जैसे बजाने से इसको
चेहरे पे अपने आप ही मतलब एक रौनक सी आ जाती है, और तो झुर्रियाँ तो समाप्त होंगी होंगी, और जो भी नज़ला की बीमारी होती है, फेस रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो वो सारी समाप्त हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये शंख जी महाराज को आप अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करेंगे इस नए साल पर, और सुबह शाम बजाएंगे, कम सवेरे 3 बार या 5 बार और शाम को भी 3 या 5 बार बजा कर ईश्वर का शुक्राना करेंगे कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज मैं ये दिन शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा और अच्छे कार्यों में मुझे आगे बढ़ाते रहिएगा। किस कार्यों में? अच्छे कार्यों में। और अंत में शाम को भी जब आप पूजा करेंगे तब भी आप बजाएंगे और ईश्वर का शुक्राना करेंगे, थैंक यू गॉड कि आपने पूरे दिन को अच्छे से गुजरवाया और मेरे द्वारा जो भलाई हो सकती थी मैंने लोगों का भला किया, किसी का जेब नहीं काटा और ईमानदारी से अपने काम को किया। तो वैसे ही तनाव मुक्त रहेंगे, जब काम ही अच्छे करेंगे, जब विचार ही अच्छे रहेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे ही रहेंगे। और नए साल पे यही प्रण लेना है आपको कि इसको अपने घर में शामिल करेंगे और इसके जो जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी किस लिए शामिल करना है, आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार और बजा के इस वीडियो का अंत करता हूं। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।